हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। और आज है 25 जून 2020 और आज के दिन मैं आपके लिए लेके आऊं एक बहुत ही जबरदस्त स्मॉल कैप स्टॉक। ऐसा स्टॉक कि अगर आप आज उसके अंदर पैसा लगाते हैं तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप मल्टी बैगर रिटर्न्स पाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। कंपनी की प्रोफाइल, हिस्ट्री और उसके की फैक्टर्स, उसका प्राइस मूवमेंट, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है इस कंपनी की, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई है और किस तरीके से इनके जो एमडी और सीईओ हैं उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया है। और यहां मैं सबसे पहले अभी आपको बता दूं कि अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो था 1079 करोड़, यानी कि लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टच किया था। मात्र 3 क्वार्टर्स के अंदर इन्होंने 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया था। तो आप सोच सकते हैं, बहुत जबरदस्त ये इंडस्ट्री है, बहुत जबरदस्त ये कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से प्रताप स्नैक्स लिमिटेड की, जिसको आप डायमंड चिप्स के नाम से भी जानते हैं। डायमंड की जो नमकीन है, चिप्स आते हैं, वो इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए, स्वाद छाए जो लिप्स पर, ये स्टॉक है चिप्स पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक रहने वाला है। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने बात बताने की कोशिश करी है उसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। 5 सालों में कंपनी ने 52% से ज्यादा का प्रॉफिट सीएजीआर दिखाया है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो रही है प्रॉफिट की 5 सालों के अंदर, वो 52% से भी ज्यादा की है। और बहुत जबरदस्त ये मानी जाती है कंपनी स्ट्रगल करती रहती है 10-12-15% के सीएजीआर पर, लेकिन इस कंपनी ने जो 52% का सीएजीआर के साथ यहाँ पर पिछले पांच सालों में ग्रोथ दिखाई है, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी बिजनेस प्रोफाइल है, वो सारी कंज्यूमर बेस्ड है। और रूरल इंडिया में और जो छोटे टियर टू सिटीज हैं वहां पर इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। और देखिए, हर गुजरते टाइम के साथ में इनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी नए शहर को हिट करते रहते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, 2004 में स्टार्ट हुई है ये कंपनी। मिस्टर अमित कुमार नाम है इनके कंपनी के एमडी एंड फाउंडर का, जो इस टाइम सीईओ भी है। और बहुत जबरदस्त उनकी एक स्टोरी रही है, किस टाइप से उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी और चीजी बॉल्स के साथ में पहला प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में निकाला। इंदौर बेस्ड ये कंपनी है, इंदौर के ही मिस्टर अमित कुमार रहने वाले हैं। और पहले साल के अंदर उन्होंने 22 लाख का रेवेन्यू हिट किया था। उसके बाद तीसरे साल तक आते आते ये रेवेन्यू 7 करोड़ रुपए का हो गया था। और वहां से लेकर आज की तारीख की अगर हम बात करें तो अभी तक कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आपने देखिए, चिप्स के अंदर या और प्रोडक्ट्स के अंदर नाम सुने होंगे हल्दीराम के, लेज के, लेकिन डायमंड एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो मार्केट के अंदर बहुत ही तेजी से अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी एंड क्वांटिटी के थ्रू स्प्रेड करता जा रहा है और बहुत ही जबरदस्त लोगों को पसंद इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और देखिए, पिछले 3 महीने के दौरान जब कोविड का इंपैक्ट था, मार्केट शटडाउन था, तो इनको भी डेफिनेट सी बात है असर पड़ा है। इनके जो प्लांट्स थे इंदौर में और गुवाहाटी में, वो इनको बंद करने पड़े थे, लेकिन अब जब मार्केट खुल गया है तो ये लोग भी अपनी पोटेंशियल को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को वापस उसी स्पीड से, उसी पेस से लाने में धीरे धीरे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और वापस से आपको इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोफाइल है वो बहुत ही जल्द 100% तक आती हुई दिखाई देगी। तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस कंपनी के आपको की फैक्टर्स दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इसके आगे बिजनेस और चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कंपनी के की फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट कैप है 1533 करोड़ रुपए के आसपास, स्मॉल कैप एक कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस अगर 24 तारीख का मैं बताऊं, कल का यानी कि, तो 632.50 रुपए पे था। 52 वीक हाई है 989 रुपए का, जबकि लो है 435 रुपए का। और प्रोमोटर्स होल्डिंग है 71.44%, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर आपको दिखाई दे रही है। बहुत कम कंपनीज में इतनी ज्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग होती है। फ्लैश प्रोमोटर होल्डिंग है 0। तो ये देखिए, बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के लिए, कि यहां पर प्रोमोटर्स ने, मालिक ने, ओनर्स ने कोई भी अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। एफआईआईज की बात करूं तो लगभग 8.25% के आसपास
आसपास स्टेक है। DIIs की बात करूंगा तो लगभग 16% के आसपास आज की तारीख में स्टेक DIIs ने यहां ले रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 की बात करूंगा मार्च एंडिंग 2020 की, तो देखिए 3.34 करोड़ का यहां प्रॉफिट दिखाई दिया था, जबकि लास्ट क्वार्टर में 5.61 करोड़ का था। तो Q1Q बेसिस पे अगर हम देखें, सिक्वेंशियल बेसिस पे, हमें प्रॉफिट में यहां पर गिरावट जरूर दिखाई दी थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअल की बात करूंगा, देखिए पूरे साल का अगर हम प्रॉफिट देखें तो लगभग 30.87 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल से मतलब लास्ट फिस्कल ईयर में था 46.46 करोड़। तो अगर एनुअल बेसिस पर भी हम देखें तो यहां पर हमें एक गिरावट प्रॉफिट के अंदर जरूर इनकी कंपनी में दर्ज नजर आई थी। लास्ट डिविडेंड अनाउंस की बात करूंगा तो ₹1 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है फाइनल, जो कि 17 जून 2020 को इन्होंने अनाउंस किया था। उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.16%, लेकिन इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था। अब Q1 के रिजल्ट्स आने हैं, रिजल्ट डेट है 2 सितंबर 2020, जिसके अंदर अप्रैल में जून के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और वहां देखने का हमें मिलेगा कि देखिए कोरोना के चलते जो इंपैक्ट आया था, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बंद हुई थी, उसके चलते सेल्स में, रेवेन्यूज में और कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रॉफिट के अंदर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब कुछ और की फैक्टर्स की तरफ आपको लेके चलता हूं, तो देखिए बुक वैल्यू कंपनी की है ₹252 के आसपास, और अभी अपनी बुक वैल्यू से ये लगभग 3 गुना ज्यादा पे आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। डेट की बात करूंगा तो देखिए 73.33 करोड़ का डेट है, और एक वर्चुअली डेट फ्री कहेंगे इसको, ये कोई डेट नहीं होता, बहुत कम डेट है कंपनी के ऊपर। कंपनी के रेवेन्यूज इतने जबरदस्त हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी जबरदस्त है, पिछले बीते सालों की अगर बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंशन के दौरान या फिर अपना जो बिजनेस को बढ़ाया है, देखिए अपनी जो बेसिकली सेल्स लिमिट को इन्होंने बढ़ाया है, उसके अंदर अभी तक कंपनी ने कोई खास लोन मार्केट से या कहीं से नहीं उठाया है, बहुत ही कम, या फिर इसको एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी आप मान सकते हैं। पी की बात करूंगा, देखिए प्राइस टू अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, 47.89 का PE है आज इनका, जो कि इंडस्ट्री से अगर मैं कंपेयर करूं तो 59.47 का PE इंडस्ट्री का यहां पर दिखाई देखने को मिलता है। तो आज की तारीख में बहुत अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करूंगा तो देखिए 36.48 करोड़ का यहां पर कैश भी है एज पर द ईयर एंडिंग मार्च 2020। पेरेंट ग्रुप है प्रताप स्नैक्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 8.43% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो 10.70% का यहां पर ROCE दिखाई देता है। दोनों ही ज्यादा अट्रैक्टिव आज की तारीख में यहां नहीं नजर आते, ये बात बिल्कुल मानने की है। अब मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी की एक वेबसाइट दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि देखिए क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के और किस तरीके से ये कंपनी आगे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहां मैं आपको लेके आया हूं कंपनी की वेबसाइट पर, ये है yellowdiamond.in के नाम से इनकी वेबसाइट है, और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके। देखिए मेन तो ये रिंग्स के अंदर बहुत जबरदस्त मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। रिंग्स आते हैं और नमकीन रिंग्स होते हैं, वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, काफी इनकी सेल होती है उसके अंदर। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और मार्केट में इनके काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सेल आउट होते हैं। देखिए इनकी FY20 में जो Q4 के रिजल्ट इन्होंने पोस्ट करे थे, उसका मैं आपको रिजल्ट प्रेजेंटेशन आपको एक यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया था। ये देखिए काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर, ये डेटा मैं आपको बिल्कुल यहां पर दिखाना चाहूंगा, और 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कंपनी की, जिसके अंदर से 5 इन हाउस प्लांट्स हैं एंड 9 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत भी ये लोग काफी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, और देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेट सी बात है उतनी जल्दी एक्सपेंशन करना, खुद के प्लांट्स को लगाना कंपनी के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर यहां पर एक फैसिलिटी हमारे पास इंडिया के अंदर है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त तेजी से यहां पर हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है इंडिया के अंदर। काफी सारे लोग हैं जो आपके मापदंड के अनुसार, स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और पैकिंग करके देते हैं, जिससे आपका जो
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाती है और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही आपको देनी पड़ती है। देखिए 11 मिलियन यानी कि मोर देन 11 मिलियन पैकेट सोल्ड पर डे, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट हर दिन इनके सेल होते हैं पर डे। इनकी आप सेल्स देखिएगा बहुत जबरदस्त यहां पर आपको दिखाई देगी, 20.5% का 5 ईयर रेवेन्यू है CAGR, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड CAGR यहां पर दिखाई देती है रेवेन्यूज के अंदर। मार्केट लीडर है ये लोग रिंग्स के अंदर, जो रिंग्स प्रोडक्ट आते हैं मैंने आपको बताया नमकीन रिंग्स जो आती हैं उसके अंदर ये मार्केट लीडर हैं। आज की तारीख में 240 से ज्यादा इनके सुपर स्टॉकिस्ट हैं, 4100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैन इंडिया लेवल पर और 1.7 मिलियन के आसपास यानी कि 17 लाख रिटेल टच पॉइंट्स हैं जहां पर कोई भी रिटेल कस्टमर जाकर पैसे देकर और इनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो काफी अच्छी रीच इन्होंने बहुत ही कम टाइम में बनाई है, 2004 में जैसे कंपनी स्टार्ट हुई है और आज हम 2020 के अंदर बैठे हैं, तो 15-16 सालों के अंदर इन्होंने मार्केटिंग के अंदर भी काफी जबरदस्त यहां पर एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया है मार्केट में। चलिए NSE के ऊपर लेके चलता हूं और आज का आपको करंट स्टेटस बताता हूं। 12:30 बजे हैं इस वक्त और हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट इसके अंदर अपडेट जाने की। तो 12 बजे तक का देखिए लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास में, 631.65 रुपए का अभी इसके अंदर प्राइस हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 0.22% की तेजी के साथ में। 52 वीक हाई और लो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सिक्योरिटी बस डिलीवरी पोजीशंस जो आज की है 25 जून की, अभी तक क्वांटिटी ट्रेड है 7672 शेयरों में जिसके अंदर से डिलीवरी क्वांटिटी है 3772 शेयरों की, तो लगभग परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 49% के आसपास। देखिए वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं होते स्टॉक में, लेकिन जो कंपनी की प्रोफाइल है और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो उसके हिसाब से हमें यहां पर ये चीज दिख रही है कि लोगों का बहुत जबरदस्त विश्वास इनके अंदर बनता जा रहा है। और अब मैं आपको देखिए इसकी रिटर्न प्रोफाइल आपको दिखाता हूं, पिछले कुछ टाइम की अगर हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखें तो एक दिन के अंदर अभी जो ये दिखा रहा है देखिए 0.14% का यहां पर नेगेटिव रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स ने वही 0.21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक हफ्ते की बात करेंगे पिछले एक वीक की तो देखिए 5.35% का पॉजिटिव रिटर्न प्रताप स्नैक्स ने दिया, जबकि सेंसेक्स ने दिया 1.71% का पॉजिटिव रिटर्न। और एक महीने में आपको दिखाऊं तो लगभग 33% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले एक महीने में प्रताप स्नैक्स ने दिया है और सेंसेक्स ने हमें दिया है 13.44% का पॉजिटिव रिटर्न। यानी कि एक महीने पहले भी अगर आपने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो देखिए 474 रुपए का प्राइस था एक महीने पहले और अभी ये प्राइस बढ़कर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 630 रुपए का, तो बहुत शानदार रिटर्न से एक महीने के अंदर। YTD ईयर टिल डेट की बात करेंगे 1 जनवरी 2020 से लेके अभी तक का तो लगभग 27% के आसपास निगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, जबकि सेंसेक्स ने दिए हैं लगभग 15.5% के निगेटिव रिटर्न। एक साल की बात करूंगा तो देखिए लगभग -24% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, जबकि सेंसेक्स ने वहीं दिए हैं -12% के रिटर्न्स। और 3 साल की बात करेंगे 3 साल के अंदर देखिए कंपनी यहां पर नहीं आपको कोई रिटर्न देती हुई दिखाई देगी क्योंकि 2017 में ही कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई थी। अब मैं आपको इसके चार्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा और देखिए चार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वनडे की सेटिंग में मैंने कैंडलस्टिक चार्ट्स लगाए हैं आपके सामने और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, 9 दिन से लेके 200 दिन तक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने इसके अंदर लगाया है। अब देखिए क्यों ये स्टॉक अट्रैक्टिव है वो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा पुरानी इसकी प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो हमें यहाँ पर 1450-1450 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई देता है 2018 के अंदर। उसके बाद से देखिए तो लगातार इस स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड ही यहाँ पर फॉलो कर रखा था और उसके बाद जो शार्प इसमें डाउन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फरवरी के बाद में, इसी साल फरवरी के बाद में काफी जबरदस्त यहाँ पर डाउन इस स्टॉक ने दिखाया है। अगर आप प्रीवियस इसकी प्रोफाइल देखेंगे तो देखिए जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है इसका 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इस प्रोफाइल में आपको ये दिखेगा कि देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसका 100 डेज का वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर इसने काम किया है। कभी भी ये स्टॉक अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद में इसलिए इसने कभी अप ट्रेंड यहां पर दिखाया नहीं है। केवल इस सेगमेंट में इस एरिया में एक बार इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी थी लेकिन उसके बाद में यहां पर वो फिर से डाउन आ गया। अभी जो मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूं यहां फरवरी के बाद में जो एक शार्प डिक्लाइन यहां देखा गया था स्टॉक में वहां से रिकवरी होती हुई हमें दिखाई दी है। तो देखिए अभी की अगर कंडीशन आपको दिखाऊं तो 2 जून के बाद में जो इसने एक जबरदस्त यहां पर जंप दिखाया था उसके बाद में इसने अपने
100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट की तरह यहां पर काम में लिया है और उसके नीचे केवल एक या दो बार ही ये पेनिट्रेट होके नीचे आया है। अदरवाइज काफी अच्छा सपोर्ट यहां पर 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां से जो इसकी प्रोफाइल है, अगर ये वाकई में आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसी सेगमेंट इसी लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली आपको यहां से एक अपराइट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो बैरियर था उसने यहां पर काफी दिनों तक होल्ड यहां पर किया है, कंसोलिडेशन का मोड यहां पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में बहुत जल्दी अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 685 रुपए के आसपास 685 रुपीस के आसपास उसको तोड़ता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर ये एक बार 200 डिस्क एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहां ब्रेक कर देता है तो फिर यहां पर काफी जबरदस्त कन्विक्शन आपकी कॉल को मिल जाएगा कि ये अब ट्रेंड के अंदर बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर इन्होंने ग्रोथ करी है, जिस हिसाब से सेल्स इनकी रही है पिछले बीते कुछ सालों के अंदर, उस हिसाब से देखते हुए कंपनी की प्रोफाइल में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही नजर आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से कैश भी जनरेट कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कंपनी CAGR भी दिखा रही है प्रॉफिट के अंदर, बहुत जबरदस्त CAGR भी यहां पर क्लॉक करके दिखाया कंपनी ने। और अभी जो इसकी प्रोफाइल है वहां से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेके आप यहां पर डेफिनेटली पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न देती भी नजर आएगी। देखिए इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स जरूर कम रहते हैं लेकिन मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि आपको जो टाइम होराइजन है वो एक लंबा टाइम होराइजन इस कंपनी को देना होगा और कम से कम 2.5 से 3 सालों का यहाँ पर परस्पेक्टिव आप लेके चलिए तो यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये कंपनी किसी भी लिहाज से आज की जो दिग्गज कंपनी है उनसे कम नहीं है लेकिन एक नई कंपनी जरूर है। इनके पास शायद वो पोटेंशियल अभी धीरे धीरे आ रहा है, उतना जबरदस्त इनके पास में स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली। और देखिए जो कंपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली राइज करती है ना उसका नींव जो है उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये कंपनी अगर आज की तारीख में अपना बेस स्ट्रांग कर रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जिन लेवल्स के ऊपर आज ही आपको मिल रहा है हो सकता है साल डेढ़ साल दो साल बाद ये उस लेवल से काफी ज्यादा ऊपर जाके ट्रेड होने लगे। तो ये सारी एनालिसिस थी देखिए मेरी प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के ऊपर जो डायमंड के नाम से इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। तो इस वीडियो में आपको दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।